हेलो गाइस, वेलकम टू सैपी इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 9 वोल्ट की बैटरी से 2 वोल्ट की एलईडी को जलाएंगे। दोस्तों, जब हम इस एलईडी को डायरेक्ट बैटरी से जलाते हैं तो हमारी एलईडी अक्सर खराब हो जाती है। देखिए, मैं आपको जला के दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, ये खराब हो चुकी है, बहुत हल्की जल रही है। तो हम इस एलईडी को कैसे जलाएं कि ये खराब ना हो? दोस्तों, ये एलईडी हमारी खराब हो चुकी है, हम इसकी जगह पे दूसरी एलईडी ले लेते हैं और हम आपको जला के दिखाते हैं किस प्रकार से आपको जलाना है। तो दोस्तों, हमें एक रजिस्टर को इस एलईडी पे कनेक्ट करना है। दोस्तों, इस रजिस्टर को देखिए, ये 220 ओम की रजिस्टर है जिसको हमें एलईडी के साथ कनेक्ट करना है। एलईडी में हमारी दो लेग होती हैं, एक बड़ी होती है, एक छोटी। बड़ी वाली हमारी पॉजिटिव होती है और छोटी वाली निगेटिव होती है। तो दोस्तों, हमें पॉजिटिव वाली लेग में इस रजिस्टेंस को कनेक्ट करना है। देखिए, मैं करता हूँ। अब ये रजिस्टर हमारी एलईडी में कनेक्ट हो गई। अब हम इस एलईडी को डायरेक्ट 9 वोल्ट की बैटरी से जलाएंगे। इसके लिए मैं बैटरी की कैप को इस एलईडी पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों, हमारी जो बड़ी वाली लेग थी उसमें रेजिस्टेंस है और यही हमारी पॉजिटिव लेग है। तो दोस्तों, पॉजिटिव वाली लेग में मैं बैटरी का पॉजिटिव वायर कनेक्ट कर देता हूँ और निगेटिव वाली यानी कि माइनस वाली लेग में मैं बैटरी का निगेटिव वाला वायर कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से कनेक्ट हो जाती है। अब हम इसको डायरेक्ट 9 वोल्ट की बैटरी से जलाएंगे। देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, 9 वोल्ट की बैटरी से हमारी एलईडी डायरेक्ट जल रही है और ये एलईडी हमारी 2 वोल्ट की है और ये हमारी अब खराब भी नहीं होगी। तो दोस्तों, आप भी इस प्रकार से एलईडी को जला सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप 220 ओम की जगह 330 ओम का भी रजिस्टर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। अगर चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।